हाय फ्रेंड्स, कल मैंने आपको ये फ्लावर की एक्सरसाइज बताई थी और आज मैं इन्हीं फ्लावर्स को वाज में किस तरह से आपको कंपोज करना है ये बताऊंगी। सबसे पहले जब हम एक वाज को कंपोज करते हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू पेपर हमें उसको किस तरह से कितना साइज लेना है वास का और कितने में आपको फ्लावर अरेंजमेंट करनी है। तो जैसे ये हमारा पेपर है, इसमें हमने हाफ पोर्शन से थोड़ा कम ये मैंने वास ले लिया है। अब इसमें हमें अरेंजमेंट करना है फ्लावर का। तो जो कल हमने बताया था वो सेम पेटल्स बताई हुई थी, लेकिन आज मैं अलग अलग फ्लावर्स आपको यहाँ पर बताऊंगी। कल मैंने एक आपको फ्रंट फ्लावर नहीं बताया था। यदि आपको फ्रंट पोजीशन ड्रॉ करनी है तो एक सर्कल बनाइए और उसमें सेंटर में ही एक स्मॉल सर्कल बनाइए और डिवाइड करिए इसको। डिवाइड करने के बाद इसको पेटल्स की शेप दे दीजिए। इसी में यदि आपको एक फ्लावर यहां हो गया, इस तरह से डिवाइड करके अब पेटल्स के लिए इसको डिवाइड कर दीजिए और इसमें अब ये नीचे की ओर आ रहा है, इसको डिवाइड करके उसी तरह से ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन ड्रॉ हो गया है और इसको अब मैं नेक्स्ट क्लास में कलर करना बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कलर करना है या शेडिंग करना है।